इंतहाई वाजबुल एहतराम बुजुर्गो अजीज दोस्तों, आज पिछले जुमे की तरह उसे ही मौजूद नूं अगे लैके चलांगा। कुरान करीम दे विच्चों एक आयत करीमा आप अहबाब दे सामने तिलावत करन दा शर्फ हासिल कीता है, जिस दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे नबी हज़रत सय्यदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दी दास्तान नूं रकम फरमाया। लारैब किताब दे अंदर हुक्मे इलाही होया, फलम्मा ज़हबू बिही वअजमऊ अन यजअलूहु फी ग़याबतिल जुब्बि वअوحيना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हादा वहुम ला यशऊरून। फरमाया अल्लाह करीम ने कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई आपनू नाल लैके जंगल विच टुर गए, सारिया मशवरा कर लिया, असा इन्हां नू खूह विच सुट दईए। मेरे आका दे गुलामों, जदों उन्होंने आप नू खूह विच सुटन दा इरादा कीता, आप दे जिस्म दे उत्तों कपड़ा उतार लिया, कमीज उतार ली गई। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दा जदों जिस्म नंगा होया, आपने फरमाया मेरे वीरो मेरा ओ जिस्म, मैं सारी जिंदगी कदी अपना जिस्म नंगा नहीं कीता, हुण जदों आप नू खूह विच पाइया ने रस्सी पा के लटकाया। असल बात यह भी सी कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने जेड़ा कमीज जेड़ा कुर्ता जेड़ा पिराहन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो विरसे च मिलिया, आपने ओ तवीज़ बना के बाजू नल बन दिता। जदों आप खूह विच गए, इधरों रस्सी पाइया ने कटी, उधरों उत्तों हुक्म आ गया जिबरील, जी रब्बे जलील, फरमाया मेरा नबी खूह विच जावे, मेरे नबी नू पानी मस भी ना करे, पहले जाके अपने नूरानी पर विछा दे, पहले जाके अपने नूरानी पर विछा दे। जिबरीले अमीन पहले चले गए। मेरे दोस्तों, इधर कमीज दा तवीज़ बना के हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने क्यों पुत्र दे बाजू नाल या गले विच डालिया? असल वजह ए सी, निगाहे नबूवत वेखदी सी, एक दिन ऐसा आउणा है मेरे पुत्र यकूब, मेरे पुत्र यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं लोड़ पैनी है, जरूरत पेश आनी है, गल विच कमीज नहीं होवेगी, ए तवीज़ वाला कपड़ा मेरे पुत्र यूसुफ अलैहिस्सलाम दे काम आवेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी ओ तवीज़ जिहड़ा पिरान आप नू विरसे विच मिलिया, तवीज़ बना के गले विच डालिया। जदों आप खूह विच गए, मेरे दोस्तों, आप खूह विच गए, जिबरीले अमीन ने ओ तवीज़ उतारिया, उतार के कमीज़ खोली, खोल के सय्यदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दे गले विच आप दे जिस्म ते पाई। मेरे दोस्तों, खूह विच जान दी वजह की सी? हालांकि पाई जांदे होर किधरे दे देंदे, खूह विच जान दा मकसद की सी? आओ मेरे
दोस्तो मैं तुहानू यूसुफ अलै सलाम दा किस्सा अहसनुल कसस सोहणे अंदाज नाल सुणाना वा। तुसी पहले भी सुने जरूर होणगे शायराना अंदाज विच, लेकिन सुनो फकीर कोलों। आओ मैं तुहानू दास्तान कुरानो हदीस दी रोशनी अंदर, कुतबे तफसीर दी रोशनी अंदर सुनाना वा। खूह विच जाण दी वजह की सी? एक मर्दे साले अल्लाह दा बरगजीदा बंदा जिहड़ा हजरत हूद अलैह सलाम दा उम्मती है, हूद अलैह सलाम दा उम्मती है, उन्हें पढ़दियां पढ़दियां जदों उहदी मास्टर निसार साहब नज़र पई जनाबे शीस अलैह सलाम ते नाजल होए सहैफ ते, जदों आप दे सहीफे जनाबे शीस अलैह सलाम ते नाजल होए, उस मर्दे साले ने पढ़े, अल्लाह दे बंदे ने पढ़े, उहदे विच हज़रत यूसुफ अलैह सलाम दा किस्सा नज़र आया। हजरत यूसुफ अलैह सलाम दी दास्तान पढ़ी, जदों आप दा हुसन वेखिया सहैफ विच, आप दा जमाल वेखिया, आप दे कमालात पढ़े, मेरे आका दे गुलामों आप दी नूरानियत दे मुतलक वेखिया, दिल विच तमन्ना पैदा हो गई, या अल्लाह एडी सोहनी सूरत तू दुनिया ते अगर भेजनी है मैनू इन्नी जिंदगी अता कर, उधरों तेरे यार दा मुख होवे मेरी अख होवे, तेरे यार दा मुख होवे चेहरा यूसुफ अलैह सलाम दा होवे, अख मेरी होवे। मेरे दोस्तो हूद अलैह सलाम दा उम्मती जदों सहैफ वेखे, आप दा हुसन पढ़िया, आप दे नूर दे तस्करे पढ़े, पढ़दियां पढ़दियां मुहब्बत हो गई, मुहब्बत हो गई, ऐसी मुहब्बत होई हर वेले याद करदा है, ते याद करदियां अंदाज की है कहिंदा चढ़ वे चन्ना तू कर रुशनाई ते तारे जिक्र करें दे तेरा तेरे जय चन कई पै चढ़ दे ते सानू सोने बाज अंधेरा हू जिथे चंद साडा चढ़दा उथे कोई कदर नहीं तेरा हू जिस दे असी परदेसी होए कामिल बाहो किधरे ओ मिल जाए एक वेरा आका दे गुलामों ओ अल्लाह दा बंदा उडीक विच क्योंकि मुहब्बत हो गई उडीकां विच बैठा है आरफे खड़ी दी रूह भी तड़पी कमाल कर दिता फरमांदे ने रस्ता उडीकां जरा मुहब्बत दे वेड़े विच जाके गल सुनना दर्द दे वेड़े विच जाके बैठना। मेरे दोस्तो मियां साहब फरमांदे ने रस्ता उडीका दिल भर अपने दा महल उच्चे ते चढ़ के जे दिल काली पावे मुहम्मद ते मैं रोवां अंदर वड़ के जे दिल काली पावे मुहम्मद ते मैं रोवां अंदर वड़ के किथे हूद अलैह सलाम दा उम्मती किथे यूसुफ अलैह सलाम दा जमाना। हत्ता के इथों तक इमाम गजाली रहमतुल्ला अलैह ने अहसनुल कसस विच सोहणा वाकिया लिखिया है। आप फरमांदे ने उस अल्लाह दे बंदे दी उम्र 1200 साल हो गई,
1200 साल हो गई इना आबद जहा दे रोज तमन्ना कर दे एक दिन आवाज कन्ना वेच आई ऐ मेरे बंदे तू जिस मोहब्बत लैके बैठा है जिदिया उडीकां विच बैठा है जा मुल्के शाम दे अंदर किनान दे जंगलां विच खूह विच टुर जा खूह विच जाके डेरा लगा दे मेरे दोस्तो जदों उन्हें खूह विच डेरा लाया खूह विच डेरा लाया ओदी खुराक आशको किए दिन रात दी खुराक उन्हू एक नार कुदरत तरफों अता होंदा है एक नार एक अनार कुदरत दी तरफों अता हुंदा है जेड़ा सुबह शाम गुजारा करदा है खा के सिर्फ एक नार ते गुजारा करदा है एक अनार ते गुजारा करदा है असल वजह की है उन्हूं ना खाना याद है ना पीना याद है ना भुख याद है ना प्यास याद है इको ही तमन्ना है या अल्लाह इना सोना हुसन वाला यूसुफ अता कर दे इना सोना हुसन वाला यूसुफ अता कर दे मेरे दोस्तों जदों ओ अल्लाह दा बंदा खूह विच आया रोज तमन्ना कर दे असल वजह सी जदों आप खूह विच गए वेखिया ओ भी बंदा खूह विच बैठ के अल्लाह अल्लाह पिया करदा जदों आप गए जाके मुलाकात होई उन्हें हुसन दा ताजदार वेखिया जिवें जलवे सहफे शीश अले सलाम विच पड़े सन ओवें ही आप नू नज़र आए उस मर्दे साले नू नज़र आए जदों वेखे ते कहन लगा ए अल्लाह दे प्यारे नबी ए अल्लाह दे बरगजीदा नबी ऐ हुसन दे बादशाह परावां ते गुस्सा ना करी परावां ते तराज ना करी इस वास्ते मेरे मिलन दा बहाना उन्हें बनाया है मेरे मिलन दा बहाना बनया है मेरी तमन्ना रोज दिए सी रोज दुआ करदा सा मेरे मालक ने मेरी दुआ नू कबूल फरमा लिया हुण ओ कुआं उस कुएं दे मुतलक इस तरह आउंदा है कुछ रवायात विच एवें उहनूं शद्दाद बिन आद ने तैयार करवाया कुछ रवायात विच इंज आउंदा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दे बेटे शाम ने तैयार करवाया लेकिन मेरे दोस्तो जदों आप खूह विच गए जिबरीले अमीन आके पुछदे ने जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम ए तां दसो मैं तुहाडे नाल की तावन करां की मदद करां तुसीं किवें राजी हो फरमाया जिबरीले अमीन मैनूं कोई इतराज नहीं मैं उस मालक ते राजी हाँ जिवें मेरे जद्दे अमजद जिवें मेरे दादा जी चिखा विच जाके आखिया सी मेरा अल्लाह जान दे मेरा खलील अग विच जा रहा वे मेरा खलील अग विच जा रहा वे जरा तवज्जो करना आपने फरमाया जिवें मालक नू मंजूर होवेगा मैं उवें ही राजी हाँ आप तीन दिन ते तीन रातां खूह विच रहे किन्नियां रातां तीन रातां तीन दिन ते तीन रातां खूह विच रहे जरा तवज्जो ते कर खूह भी बख्तां ते नाज करदा होवेगा खूह भी बख्तां ते नाज करदा होवेगा कि सोहणिया मुद्दतां तों इंतजार विच सां ते भला होवे मेरे ते मेहरबानी फरमाई जे मेरे दोस्तों जरा तवज्जो करना फिर आखिर परा ते परा ही हुंदे ने वड्डा भाई जिहदा नां यहूदा है उन्हें रोज रोटी लैके बल्कि किताबां विच आउंदा चूरी बना के लै जानी के रोटी खवा के आवां लेकिन लै जानी नाले बहाना बना लेना वेख के आउना वां जदों तीसरी रात आई तीन रातां तीन दिन मास्टर निसार साहब गुजारे उधरों शहरे मदीन विचों एक काफला आया शहरे मदीन दा सदागर जिहड़ा
जेड़ा चलिया मदियन विचों जिदा नाम मालिक इब्ने ज़गर जिदा नाम मालिक इब्ने ज़गर। मैं तुहानू थोड़ा जिहा तारफ करावां मालिक इब्ने ज़गर कौन है। मालिक इब्ने ज़गर भी नस्ले खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी औलाद चों वे। तुसा जरूर सुने होणगे वाकियात लेकिन सुनो फकीर कोलों बड़ी मुहब्बत लैके आए हो दूर दराज तो दोस्त प्यार लैके आंदे ने। जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों वादिए मदीन विचों शहरे मदीन विचों मालिक इब्ने ज़गर आया। मालिक इब्ने ज़गर दा सिलसिला है नसब जाके हज़रत मदीन नाल मिलदा है ते मदीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे बेटे ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे बेटे ने 13 बेटियां विचों एक बेटा आप दा मदीन ने उना दी औलाद विचों मालिक इब्ने ज़गर। मेरे दोस्तों हुण जरा तवज्जो करना मालिक इब्ने ज़गर आया काफले दे नाल आया वे लेकिन असल वजह की सी मालिक कुछ आंदे ने रस्ता भुल गया भुलिया नहीं उनू भुलाया गया भुलिया नहीं उनू ओनू भुलाया गया है। जरा तवज्जो करना आता कि तफसीरां विच आउंदा है कि आप मालिक इब्ने ज़गर ने 50 साल पहला एक ख्वाब वेखी। की होया जागदे हो जागदे बैठना। मालिक इब्ने ज़गर ने ख्वाब वेखी 50 साल पहले ते ख्वाब च की वेखदा है कि अल्लाह करीम ने मैनू एक बड़ा सोहना गुलाम अता फरमाया है उस गुलाम की बरकत दे नाल मेरिया भुखा दूर हो गई ने गरीबियां दूर हो गई मुफलसियां दूर हो गई उसकी बरकत दे नाल अल्लाह करीम ने मैनू तीनों दुनिया विच इज्जत बख्शी ओदी बरकत दे नाल अल्लाह करीम मैनू जन्नत अता फरमावेगा। ए जदो ख्वाब वेखी ते पुछिया किसे कोलों एदी तबीर दसो तबीर दसण वालियां दस्या मालक तेनू मुबारक होवे एक कन्यान दी बस्ती विच तेनू एक ऐसा हुसीनो जमील गुलाम मिलेगा जड़ा तेरे मुकद्दरां नू सवार देवेगा जड़ा तेरिया मुकद्दरां नू जगा देवेगा। मेरे दोस्तों ओ मालिक इब्ने ज़गर 50 सालां विच 3-4 चक्कर उन्हें लगाए लेकिन जदों मुकद्दरां विच सुख सी जदों मुकद्दरां विच सुख सी जदों मुकद्दर चमकण दा वेला आया मेरे दोस्तों उन्हें जाके डेरा लगा दिता रस्ता भुल भुला के जदों डेरा लग गया एक गुलाम काले रंग दा उन्हूं कहा जा खूह तो पानी लै के आ। जदों उन्हें जाके डोल सुटिया इधर नज़र पै गई मेरे दोस्तों मैं किहड़ी गल करां हुण मैं अगे चलना वा जदों भाई खूह विच सुट के आए जिहड़ी मैं गल करना चाहना ये सिर्फ मालिक का मैं थोड़ा एतारफ करवाया और मालिक के मुतलक मैं जरूर दसांगा कि मालिक ने किवें खरीदया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू। जरा तवज्जो करना जदों भाई आप नू खूह विच छड़ के आ गए सारा दिन घूमदे कमांदे रहे फिरदे रहे टुरदे रहे अल्लाह करीम फरमांदा वजा उ अबाहुम ईशा अय्यबकून वक्ते ईशा हो गया ईशा दा वेला हो गया पुत्र यकूब अलैहिस्सलाम दे उची उची चीखां मार दे टारां मार दे जदों अपने घर वल मुड़े घर दी हवेली दे नेड़े आए अल्लाह दे नबी ने उन्हां दी चीखो पुकार सुनी आप बाहर तशरीफ ले आए फरमाया मेरे पुत्रो तुहाडी किते कोई बकरी ते नहीं भेड़िया खा गया। उन्हें आख्या अब्बा साड़ी बकरी नू ते कोई नुकसान नहीं होया अगे पुत्रो फिर मेरे यूसुफ दा की हाल है मेरा यूसुफ किथे जे
सारियां आखिया कालू या अबना इन्ना दहबना नस्तबिक व तरकना यूसुफ इंद मताइना फाकलहु الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين सारे रो के आंदे ने अब्बा तुसा साडे ते यकीन नहीं करना मगर यूसुफ अलैहि सलाम नु फाकला हुज़ेबो उन्हां नु भेड़िया खा गया असि आपस च दौड़ विच मुकाबला करन लग पे या तीर अंदाजी करन लग पे यूसुफ अलैहि सलाम नु अपने सामान दा रखवाला बिठा दिता भेड़िया आया अब्बा जी उन्हां नु खा गया है लेकिन असि सच्चे आ पर तुसा मनना नहीं असी सच्चे हां तुसा साडे ते यकीन नहीं करना मैं पुत्रो क्यों अर्ज कीता अब्बा यूसुफ अलै सलाम नाल तुहाडा प्यार ज्यादा वे यूसुफ नाल तुहाडी मुहब्बत ज्यादा तुहाडी उल्फत ज्यादा खा ते बेड़िया गया वे पर तुहाडी मुहब्बत ने तुहानू मनन नहीं देना तुहाडी मुहब्बत ने तुहानू मनन नहीं देना मेरे दोस्तो हत्ता के आपनू कमीज दिती खून आलूद आ तफसीरां उठा के देख एक रवायत विच एवे कि उन्होंने हरन पकड़िया हरन दा खून लाया कमीज नू दूसरी रवायत एवे बकरी दा बच्चा ज़बा करके ते कमीज खून आलूद कर ली मेरे दोस्तो हत्ता के इथों तक आउंदा है आप दे सारे बेटे रल के बघियाड़ पकड़ के आप दी बारगाह विच लै आए बघियाड़ पकड़ के ले आए हुण बेड़िया आ गया अल्लाह दे प्यारे नबी ने फरमाया ओ बेड़िए आखे जी सोनिया फरमाया ए ता दस मेरे यूसुफ नू क्यों खादाई मेरे यूसुफ नू क्यों खादाई ते बघियाड़ दस्त बोसी पिया करदे नाले सलाम पेश करदे अर्ज करदे सोनिया मैं इस तो वड्डी गवाही की पेश करा तुहाडे नाल कलाम करना वा तुहाडे नाल गुफ्तगू करना वा जरा मेरे जुमलियां ते गौर करना भेड़िया कहिंदा है हुजूर विच दरिंदियां दा बोलना जानवरां दा गुफ्तगू करना एक करामत दा इजहार है करामत दा इजहार है दरिंदे बोलदे नहीं जानवर गल्लां नहीं करदे जदों दरिंदे बोलन ते करामत दा इजहार हुंदा है ते बेड़िया कहिंदा हुजूर जिदे कोलों करामत जाहिर होनी होवे ओदे कोलों गुनाह सरजद नहीं होंदा जिदे कोलों करामत जाहिर होनी होवे ओदे कोलों गुनाह सरजद नहीं होंदा ओदे कोलों जुलम नहीं होंदा हुजूर ए फबदा नहीं नाले ए उसूल दे खिलाफ है जे मैं तुहाडा पुत्र खादा होंदा तुहाडे नाल कदी गुफ्तगू ना करदा बघियाड़ ने तीन गल्लां कीतियां किन्नियां गल्लां कीतियां किन्नियां गल्लां कीतियां सुनावां जरा तवज्जो रखना पहली बघियाड़ ने गल की ऐ अल्लाह दे प्यारे नबी असल वजह वे कि तमाम चीज़ां नू जिदे विच असी भी शामिल हाँ अल्लाह करीम ने सारियां वास्ते अंबिया दा जिसम साडे वास्ते हराम कर दिता है अंबिया दा जिसम हराम कर दिता है बल्कि तेरे ते मेरे आका नबी करीम अली सलातू सलाम ने फरमाया फरमाया मेरे गुलामो अल्लाह दे नबियां दे जिसम नू ते मिट्टी भी नहीं खा सकदी मिट्टी भी नहीं खा सकदी मौलाना गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल कीती कहिंदे ने आतश आब दरिंदियां हर आतश आब दरिंदे हर शै ते मुड़ो हुक्म रबाना पाक बदन पैगंबरां ताई रवा नहीं सानू खाना
कहंदे ने ए सानू खाना साडे उत्ते हराम हो गया वे। हुजूर ए तां दसो तुहाडे दादे नूं चीखा ने क्यों नहीं जलाया। फरमाया इस वास्ते नबी दा जिस्म सी आखे तुहाडे दादे हजरत इस्माइल अलैहि सलाम दा गला छुरी ने क्यों नहीं कटिया। आखे हुक्म सी रब दा छुरी वास्ते जायज नहीं सी। फरमाया फिर जे आखिया हुजूर जे छुरी ने नहीं कटिया अग ने नहीं जलाया हुजूर फिर तुहाडा पुत्र भी किसे ने नहीं खादा। पुत्र किसे ने नहीं खादा। जड़ी दूसरी गल भेड़िए ने कीती आपने फरमाया ए ता दस तू कित्थों आया है केड़े जंगलां विच वसना है केड़े जंगलां विच रहना है। ते अर्ज करदा है हुजूर मैं मिस्र विचों आया फरमाया चलिया किथे वे। हुजूर मुल्के शाम विच चलिया वा शाम दे बादशाह ने मेरा भाई पकड़ लिया वे। अज तीन दिन हो गए ने हुजूर मैं अपने भाई नू रिहा कराण वास्ते चलिया सतारा दिन हो गए ने ना कुछ खादा है ना पीता है। सतारा दिन हो गए ने ना कुछ खादा है ना कुछ पीता है। हुजूर मैं ते अपने भाई नू रिहा कराण वास्ते चलिया मुसलमानों जरा होश दे नाखन लै के गल सुनना। है बग्याड़े जंगली दरिंदा है लेकिन अपने भाई दा इन्ना दर्द है किथे मिसरे किथे शाम है। जरा करे तवज्जो करके वेखना शेर जंगल दा बादशाह है लेकिन कदी इंज नहीं होया शेर शेर नू खा गया होवे भेड़िया भेड़िए नू खा गया होवे। कदी जंगल दे दरिंदे एक दूसरे नू नहीं खांदे मुसलमान कदे गौर ते करके वेख। अल्लाह करीम फरमांदा इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फासलिहू बैना खवाइकुम। अल्लाह करीम फरमांदा मोमिनो तुसी आपस च भाई भाई हो। हुजूर फरमांदे ने कुल्लु मोमिन इख्वतुन मोमिन तुसी आपस च भाई भाई हो। हुण जरा मुसलमान तवज्जो ते कर जे किसे दा घर लुटे फिर भी ओहदा खून पीवेगा जे किसे नल ज्यादती करें फिर भी ओहदा खून पीवेगा। मुसलमान जरा कदे गौर ते करके वेख किसे नू रस्ते विच खलो के लुटे फिर भी ओहदा खून पीवेगा जे किसे कोलो रिश्वत लवे फिर भी ओहदा खून पीवेगा। मैं जरूर कहांगा टेंके दी चोट ते अज मिंबरे रसूल ते बह के कहांगा उस मुसलमान नालो जंगल दे दरिंदे चंगे जड़े एक दूसरे दा हया करदे ने उस इंसान नालों उस मुसलमान नालों दरिंदे ते भेड़िए चंगे जड़े जड़े एक दूसरे दा अदब करदे ने एक दूसरे दा ख्याल रखदे ने। दूसरी बघ्याड़ ने गल कीती हुजूर मेरा भाई कैद विच मैं छुड़ाण चलिया वा ते तीसरी गल बघ्याड़ ने कदों कीती अल्लाह दे प्यारे नबी ने फरमाया ओ भेड़िए मैं तेरी बादशाह कोल सिफारिश करांगा तेरा भाई छुड़ा देंगा तू मेरे यूसुफ दे मुतलक दस इस वेले मेरा यूसुफ कित्थे वे। भी बड़ा सियाणा सी ऐ जिहड़ी पल्लियों लोकां पाई ना गल भी बघ्याड़ आख्या जी जे मैं तुहाडे यूसुफ नूं खाधा होवे मैं चौदहवीं सदी के मौलवियां चों उठां। ये अपने कोलों ये बड़ी वड्डी खबासत है इहदा कोई उहदे नाल ताल्लुक नहीं कोई माई दा लाल कढ़ के नहीं विखा सकदा। और दूसरी चीज़ उन्हें आख्या जी चौदहवीं सदी के मौलवियां चों उठां इंज नहीं होया। जिहड़ी तीसरी गल बघ्याड़ कीती आ जरा तवज्जो कर तेरा कलेजा ठर जाएगा।
हजरत यकूब अलैहि सलाम ने फरमाया भेड़िए मैं तेरी सिफारिश करांगा किथे बादशाह कोल किथे जागदे हो बादशाह कोल सिफारिश करांगा तेरे भाई नू छुड़ा देंगा। तो बग्याड़ कहिंदा है ऐ अल्लाह दे प्यारे नबी ये गल राज च ही रहन दियो जे तुसी बादशाह नू मेरी सिफारिश करोगे तो मैं भी तुहाडे रब दे अगे तरला करांगा तुहाडे पुत्र दा मैं भी अल्लाह करीम दी बारगाह विच अर्ज करांगा या अल्लाह नबी दा पुत्र वापस दे दे मुलाकात करा दे मेरे दोस्तों। हुण जदों भेड़िए नाल तीसरी गल होई ते भेड़िया कहिंदा हुजूर जे मैं तुहाडे पुत्र नू खादा होवे मैं कल चुगलखोरां विचों उठां मैं चुगलखोरां विचों उठां ते हुजूर चुगलखोरां ला याद खुलल जन्ना ते चुगलखोरां जन्नत विच जाना कोई नहीं चुगलखोरां जन्नत विच जाना कोई नहीं। अज असी बड़ा सौखा काम समझने आ मेरे आका करीम अली सलातू सलाम ने फरमाया मेरे गुलामो जानी नालों भी चुगलखोर दा जुर्म वड्डा जे। अज असी बड़ा इनू मामूली काम समझने आ जरा तवज्जो कर मुसलमान कौनैन दे वाली ने फरमाया जानी दी तौबा कबूल हो सकती है अगर वह सच्चे दिल नाल तौबा कर लवे। मेरे लफ्ज़ां ते गौर करना जरा इहदा मतलब गलत नहीं लेना मेरे लफ्ज़ां ते गौर करना। फरमाया जानी दी तौबा कबूल हो सकती है अगर वह सिदके दिल नाल तौबा कर लवे ते लेकिन हुजूर फरमाया चुगलखोर दी तौबा उदो तक कबूल नहीं हुंदी जदों तक जिहदी कीती सो ओ माफ़ी ना देवे। फरमाया चुगलखोर दी तौबा उदो तक कबूल नहीं हुंदी जदों तक जिहदी कीती सो उहनूं ओ माफ़ ना करे ते। जरा तवज्जो ते कर आज असीं किहड़े ध्याने लगे हाँ। बघियाड़ ने आखिया हुजूर जे मैं तुहाडे यूसुफ नूं खादा होवे ते हुजूर मैं चुगलखोरां चों उठां ते चुगलखोर जन्नत विच नहीं जा सकता। ते एक मैं तुहानूं दसां हज़रत यकूब अलैहि सलाम नाल जिस बघियाड़ ने गल्लां कीतियां उहने जन्नत विच जाणा है किथे जाणा है किथे जाणा है जन्नत विच जाणा है। हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम दा वछड़ा जन्नत विच जाएगा हज़रत यकूब अलैहि सलाम दे सामने बघियाड़ आउण वाला जन्नत विच जाएगा हज़रत सालेह अलैहि सलाम दी डाची जन्नत विच जाएगी हज़रत नबी करीम अली सलातू सलाम दा खच्चर जन्नत विच जाएगा ईसा अलैहि सलाम दा गधा जन्नत विच जाएगा हज़रत मौला अली करम अल्लाह तआला वजहहुल करीम दा हुदहुद जन्नत विच जाएगा दुलदुल आप दा दुलदुल जन्नत विच जाएगा हज़रत शहजादी बलकीस दा हुदहुद जन्नत विच जाएगा हज़रत सुलेमान रज़ी अलैहि सलाम दी जिहड़ी उह कीड़ी जिन्हें वेख्या सी ना ते जिन्हें आख्या सी आपो अपणियां खुड्डां विच वड़ जाओ सुलेमान अलैहि सलाम दा लश्कर आ रिहा जे उह कीड़ी भी जन्नत विच जाएगी ओ कीड़ी भी ले ए गल्लां तुहानूं किने दसनियां जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों जरा तवज्जो करना। हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम दे मुतलक बघियाड़ कोलों पुछिया उन्हें आख्या हुजूर मैं नहीं खादा जदों कमीज आपने सूंगी कमीज फड़ के अखां ते लाई तफसीरां विच आउंदा है आप दा चेहरा खून आलूद हो गया खून आप दे चेहरे ते लग गया। मेरे दोस्तों आप फरमांदे ने पुत्रो एक कमीज ते यूसुफ दी है पर खून मैनू यूसुफ दा नहीं लगदा कमीज यूसुफ दी है खून मैनू यूसुफ दा नहीं लगदा। पढ़ो रब दा कुरान फरमाया वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कदिबिन काल बल सवलत लकुम अनफुसकुम अमरा फसबरुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। आपदा सारा किस्सा सारी दास्तान देखी जाए तो सारी कमीज दे उत्ते ही नज़र आएगी
ये मैं अगे जा के दसदा जावांगा जे पाइया तारी ते कमीज जे बाप सुंगी ते कमीज जे सुलेखा दे कोल फटी ते कमीज जे भाई वापस लैके आए ते कमीज मैं कमीज ते गुफ्तगू करदा रवांगा। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो करना हुण जदों आपने सुंगी फरमाया मेरे पुत्रो कमीज यूसफ दी है लेकिन खून यूसफ दा नहीं तुहानू तुहाडे नफसां ने तुहानू तुहाडे नफस ने पुत्रो रावो करा कर दिता है हुण मैं एहो ही करांगा मेरे वास्ते अच्छी गल है वे मैं सबरुन जमील कर जावां। इहदा मतलब ये नहीं कि नबी ताकत नहीं सन रखते कई आंदे ने जे पता हुंदा कि नबी दा पुत्र खूह विच ते बेहड़िए नू क्यों सद्दे रोंदे क्यों पता सी फिर कढ़िया क्यों नहीं। असल वजह ये सी कि भाइयां दी हसद दी अग पहले ही भड़की हुई है जे बाहर निकालांगा ना जाणीए इहनू कतल कर देणगे। फरमाया ना ना सबरों जमीलों वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून। इधर पुत्रां नाल गल्लां हो रही ने तीन रातां ते तीन दिन गुजर गए जिहड़ी मैं गल छेड़ी सी है वे ज़हन च तीन रातां ते तीन दिन गुजर गए। इधरों मालिक इब्ने ज़गर ने गुलाम भेजिया उन्हें डोल लटकाया वेख्या खूह विच नज़र मारी ते इंज लगा जिवें चौदवीं दा चन्न पिया चमकदा है चौदवीं दा चन्न पिया चमकदा है। मेरे दोस्तो जदों डोल लटकाया उधरों जबरीले अमीन आ गए ऐ प्यारे यूसुफ लो डोल दे नाल लटक जाओ। आपने जवाब दिता नहीं मैं इंज नहीं करना मैं चाहना वा मैं औखे वेले विच सिर्फ अपने अल्लाह दी मदद मंगा। अमीन किया ऐ जनाबे यूसुफ अलैह सलाम ए अल्लाह दा ही हुक्म जे डोल दे नाल लटक जाओ। आप डोल च बैठे उन्हें डोल चुकिया जदों बाहर कढ़िया वेंदियां ही वेंदियां खुश हो गया वजात सैयारतों फारसलू वारिदहुम फादला दलवा قال يا بشرى هذا غلام। उन्हें बड़ी खुशी खुशी नाल आवाज दीती ओ काफले वाले ओ बड़ा सोहना गुलाम मिलिया जे जिदा चेहरा चौदवीं दे चन्न नालों ज़्यादा चमकदा है। उन्हें काफले वालियां वेख्या उन्हें छुपा लिया। इधरों भरा भी रोज़ खूह ते आउंदे सन वेंदे सन जदों उस दिन आए आके वेख्या यूसुफ विच कोई नहीं यूसुफ विच कोई नहीं। सज्जे वेखदे ने खब्बे वेखदे ने आवाज़ां पै देंदे ने अचानक एक तरफ काफला नज़र आया काफले वल्ले टुर गए वेख्या विच हुसन दा बादशाह बैठा है आले दुआले काफले वाले दीद पै करदे ने दीद पै करदे ने। जदों परहावां जाके वेख्या ते परहा कहन लगे ओ इहनू कित्थों लभ के लियांदा जे उन्हें आख्या खूह विचों कढ़िया है। उन्हें आख्या है साडा जर खरीद गुलाम ए नस जांदा है भज जांदा है ए साडे नाल परवाह नहीं करदा ए साडे कोलों भज के आके खूह विच ने छलांग मार दित्ती है। मालिक इब्ने ज़गर कहन लगा लै जाओ इनू इनू लै जाओ। भरा कहन लगे नहीं असा ले जाना नहीं असा इनू फरोख्त करना है जे तू लैना होवे ते ले लै जे तू लैना होवे ते ले लै। मालिक कहन लगा पैसे किन्ने लैने जे क्योंकि वह भी 50 साल तो ख्वाब की तबीर च सी आखिया पैसे किन्ने लैने जे 1000 दिरम मंगया किन्ने पैसे मंगे 1000 दिरम मंगया। मालिक कहन लगा नहीं जी 1000 ते मेरे कोई नहीं। उन्हें आख्या 500 दे दे आखे 500 भी कोई नहीं। उन्हें आख्या 100 दे दे 100 भी कोई नहीं आखे कोल तेरे की है। उन्हें आख्या मेरे कोल खोटे 20 दिरम ने
खोटे भी दरम ने उन्हें आख्या यही दे दे इनू ले जा। इमामे शौबी कहते ने अगर उन्होंने कुछ भी ना मिलता तो भरावान पैसे की लोड़ कोई नहीं सी, उन्हें पैसों वास्ते इंज नहीं सी कीता, उन्हां दी ते तमन्ना यही सी असी इनू बाप को दूर करांगे, नबी दी बारगाह विच साडा भी मकाम होवेगा। दो दो सारे भरावां वंड लै, दो दो जदों सारे भरावां वंड लै ते फिर की होया, कुरान पढ़ के देख, खोटे दिरमा तो वेचिया। वशरौहु बिसमनिम बख्सिन दराहिम मअदूदतिन वकानू फीही मिनज़्ज़ाहिदीन। जदों उन्हें दो दो दिरम वंड लै, इधर जनाबे मालिक इब्ने ज़गर दा जान दा वेला आ गया। हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम जदों उन्हें फरोख्त किया तो भरावां आख्या ये चोरियां भी करदा ई, ये नस भी जांदा ई, ये भज जांदा ई, झूठ बोलदा ई। जदों हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम ने सुनिया आप दियां अखां च अथरू आ गए, फरमाया ना ना वीरो भरा इंज नहीं करदे, भरा इंज नहीं कर दे। मियाँ साहब आरफे खड़ी दी कलम नू वजद आ गया, आ फरमान ने पाई पाइया दे दुश्मन हुंदे ते पाई पाइया दियाँ बावा बाप जसरदा ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावा। हुण जरा हिजर दे वेड़े विच जा के मेरी गल सुनना, भरावां आखिया चोरियां करदा है नस जांदा है, इहदे हत्थां विच रस्सियां पा लै, इहदे पैरां विच बेड़ियां पा लै, इहदे गले विच तौक पा के लै के जाई। मेरे दोस्तो हुण मालक ने गले विच तौक पवाया, हत्थां विच रस्सियां बन लईयां, पैरां विच बेड़ियां पवा लईयां। जदों काफला जान लगा अल्लाह दे नबी नू भरावां ते रहम आया, तरस आया, अखां विचों अथरू निकले। मालक पुछदे रोना क्यों है, आप फरमांदे ने ए मालक इब्ने ज़गर मेरा दिल करदा है एक वेरी मैनू भरावां दी मुलाकात दा मौका दे दे, मौका दे दे। उन्हें आख्या चंगा गुलाम है, कदी गुलाम जिथों आ जान उत्थे वापस नहीं जाते। फरमाया कोई गल नहीं, उन्हें जो भी कीता करी जान, फिर भी मेरे बाप दा खून है, फिर भी मेरे बाप दा खून है। जरा तवज्जो करना मेरे दोस्तों, इधर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दे वास्ते उन्हें उस गुलाम की ड्यूटी लगाई कि जा लै जा इनू परहावां नाल मिला। आप आए, एक परहा बकरियां पिया चार दाए, दूसरे लेटे हुए ने आके आवाज दिती, व आपने फरमाया परहाओ ओ परहा इंज नहीं कर दे जिवें तुसी कर दे हो, वीर इंज नहीं कर दे जिवें तुसी कर दे हो। जरा तवज्जो करना, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दे परहा आ उस गल ते तुले हुए ने, कहिंदे ने की होया ई, कादे तो आया है? आप फरमाते ने मैं इस वजह तो आया वा तुहानू दुआ दे जावा। आखे जी केड़ी दुआ देंदे हो? फरमाया बेशक तुसा मेरे नाल जुल्म कीता है पर तुहानू अल्लाह इहदा अच्छा अजर देवे, तुसा मेरे नाल ज्यादती कीती है, तुसा मेरे नाल जुल्म कीता है, तुसा मैनू मारिया वे, जाओ अल्लाह तुहानू अजर अच्छा देवे, तुसी फिर भी मेरे भाई हो, तुसा बेसबरी दा मुजारा मेरे नाल कीता है, अल्लाह मैनू तुहाडे मुतलक सबर देवे।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਤੋ ਜੰਨਤ ਤੱਕ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਈ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਪਰਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਦਰਦ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਾਪ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਜੇ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਧਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਤੌਕੇ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਕਨਿਆਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੰਮਾ ਰਹੀਲ ਦੀ ਕਬਰ ਆਈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਿਜ਼ਾਰ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਨੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੌਕ ਉਤਾਰਿਆ ਰੱਸੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਆਪ ਕਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕਦੀ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲੇ ਕਦੀ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਕਦੀ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲੇ ਕਦੀ ਪੈਂਦਾ ਵੱਲੇ ਜੇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਸਰਾਂਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਪਵਾਂਦੀ ਯੂਸਫ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਉੱਠ ਅੰਮਾ ਤੇਰਾ ਦੁਖੀ ਯੂਸਫ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਜ਼ਰਾ ਹਿਜਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਜਿਹਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਤਮਾਚੇ ਮਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਅੰਮਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਵੇਦ ਆ ਹਜ਼ਾਰੀ ਹਯਾਤ ਹੁੰਦੇ ਅੰਮਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਦੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਅੰਮਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਦੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੁਰਬ ਤੇ ਰਹੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੰਮਾ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੰਮਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ੌਕ ਤੇ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਦਰਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗੱਲ ਦਾਇਮ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵਲ ਬਾਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵਲ ਨੁਕਤੇ ਕਰੇਗਾ ਹੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲ ਦੀ ਚਿਖਾ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲ ਦੀ ਚਿਖਾ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾ ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਸਬਰ ਦਾ ਅਜਰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਤੀ ਚਿਖਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਬੱਚਾ
ते इस्माइल दे गले ते छुरी चली। सुनो दरा तवज्जो नाल, कोई एवें भुलेखे विच ना रवे। मेरे शेखे कामल दी निगाह वे, मेरे मुहद्दसे कसूरी दा फैज़े। जरा तवज्जो करना, इस्माइल दे गले ते छुरी चली। रब ओनू भी लियाए बचा बचा, तू भी हजरत खलील दा पोतरा में। मन रब दी जिमें रजा बचा, की होया जे दुख दिते पाइयां ने, की होया जे दुख दिते पाइयां ने। मेहरबान है आप खुदा बचा, मिसर दा एक दिन तू बादशाह बन से। तेरे वास्ते मेरी दुआ बचा, मिसर दा एक दिन तू बादशाह बन से। तेरे वास्ते मेरी दुआ बचा, जिन्ना परावां तेनू वेच दिता। एक दिन आउणगे बन के गदा बच्चा। जरा तवज्जो करना, हुण मां दी कबर ते आप लेटे होए ने, जफ्फा मार के पैरों दे ने। अल्लाह दा नबी प्यार रोंदा है। उधरों गुलाम आ गया, उन्हें आके आखिया, वो तेनू ना सच्चाई आखिया सी, तेरे वो रसा ने दसिया सी, ए भज जांदा है नस जांदा है, इंज क्यों करना है। उन्हें सोनिया रुखसारा ते तमाचे मारे, जदों थप्पड़ मारिया हजरत यूसुफ अलै सलाम दी आह निकली। एक नबुवत एक मसूमियत, एक नबुवत एक मसूमियत। जदों आह निकली अर्ज कीता, मौला मेरा अगर कोई गुनाह है, मेरी खता है, मेरे दादे इब्राहिम दा सदका, मेरे दादे इसहाक दा सदका, मेरे अब्बे यकूब दे रब्बा, मेरी खता नू मुआफ फरमा दे, मेरे ते रहम फरमा। मेरे दोस्तों, मैं केड़ी दास्तान पेश करा। हजरत यूसुफ अलैह सलाम जदों दुआ मंगी, अजे हाथ थले कीते, तूफान आया, ऐसा तूफान चलिया, ऐसी आंधी चली, फिर ऐसे ऐसे बदल बरसे, फिर इस तरह बर्फबारी हुई, इस तरह औले पै जिवें छित्र मुर्ग दे आंडे हुंदे ने। एडे एडे औले बरसे, अंधेरा छा गया। मालिक इब्ने ज़कर सारे काफले नू कठियां करके कहिंदा, काफले वालियो ए तां दसो तुहाडे विच कौन है जिहड़ा एडा गुनाहगार है, तुहाडे विच कौन है जिहड़ा एडा गुनाहगार है। ओही गुलाम सामने आ गया, कहन लगा, हुजूर गुनाहगार ते मैं आं, गुनाहगार ते मैं आ। हुजूर मैं तमाचे मारे ने इन्हां दे चेहरे ते, इन्हां दे रुखसारां ते। जदों सुनिया फौरन हजरत यूसुफ अलैह सलाम दे कोल मालक टुर गया। ज़कर दे पुत्र ने मलक ने सारे हाथ बदे हैं, अर्ज करदा है, हुजूर तुसी बेशक गुलाम हो, लेकिन मैनू पता चल गया है, मैनू पता चल गया है कि तुहाडा ते रब दा आपस च कुरब है, तुहाडी रब नाल नज़दीकी है, तुसी ओहदी रज़ा ते राज़ी हो, ओ तुहाडी रज़ा ते राज़ी आ।
हजूर हाथ चुको ते दुआ फरमा दियो। हुण आपने हाथ चुके अल्लाह अकबर जदों उन्हें आख्या ना तुहाडे ते अल्लाह राजी है ते अल्लाह दा नबी हस पिया। फतह बसम यूसुफ लफज़ ने फतह बसम यूसुफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पे। जदों मुस्कुराए ना तो अल्लाह दे नबी ने हाथ चुक दिते। हाथ चुके अर्ज कीता मौला एदे कोलों जड़ी भी खता होई है मैं तेरा नबी हाँ मैं नस्ले खलील हाँ मेरे मालिका इनू मुआफ़ कर दे। अल्लाह करीम ने मुआफ़ी दे दी। उस वेले बदल वापस टुर गए उस वेले सूरज निकल आया उस वेले मौसम खुशगवार हो गया। मालक ने जदों वेखिया उस वेले हुक्म दिता एदियाँ रस्सियां भी खोल दियो एदियाँ बेड़ियां भी उतार दियो गले दा तौक भी उतार दियो। ते फिर इन्नी इज्जत इकराम कीता इन्नी मुहब्बत कीती इन्ना अदब कीता। आप मालिक इब्ने ज़गर कहिंदा काफले वाले ओ सब तो अगे सवारी ते ए होणगे इन्हां तो अगे कोई लग के ना टुरे इन्हां तो अगे लग के कोई ना टुरे। मेरे दोस्तों मैं आखिरी गल कर जावां काफला जा रहा वे जांदियां जांदियां एक शहर आया जिहदा नां ताबिस्तान है। शहरे ताबिस्तान आया उत्थे सारे लोग बुतां दी पूजा करन वाले ने बुत परस्त ने बुतां नू पूजदे ने। जदों हजरत यूसुफ अलैह सलाम दा उन्हां चेहरा वेख्या हजरत यूसुफ अलैह सलाम दा हुसन वेख्या ते वेख के सारे ही कहिंदे ने ए दसो तुहानू किन्ने बनाया है ए दस सोनिया तेनू किन्ने बनाया है। आम फरमांदे ने वहदहू ला शरीक मेरा अल्लाह है अल्लाह आहद है अल्लाह एक है हर शह दा मालक होवे। वो पैदा होने तो पहले ही माँ दे शिकम विच सारियां सूरतां बना देंदा है। मेरा मालक होवे जिन्हें मैनू पैदा फरमाया है उन्हां हाथ बदे ते कहिंदे ने सोने एडी सोहनी सूरत जिन्हें बनाई है वो आप किड्डा सोहना होवेगा जिन्हें एडी सोहनी सूरत बनाई है वो आप किड्डा सोहना होवेगा। मौलाना गुलाम रसूल साहब एदा भी नक्शा बयान कर गए कहिंदे ने यूसुफ दे अगे अर्जां कर दे ऐ नूरी सुल्ताना हद बशरीयत तो वद गईया ने तेरे हुसन दिया शाना तेरे हुसन दिया शाना वद गईया ने। हुजूर तुहाडा हुसन इन्ना बशरां दा हुसन नहीं हुंदा इंसानां दा हुसन नहीं हुंदा जिन्ना तुहानू मालक ने हुसन दिता है। सारे कलमा पढ़ गए जरा तवज्जो ते कर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नू वेख्या ते बंदे कलमा पढ़ गए तेरे ते मेरे आका नू वेख्या ते अबू जाल दी मुट्ठी विच कंकरियां कलमा पढ़ गई रोड़े कलमा पढ़ गए पत्थर कलमा पढ़ गए दरख्त कलमा पढ़ गए। हजरत अली फरमांदे ने कोई ऐसी शह ऐसा दरख्त ऐसा पत्थर मैं नहीं वेख्या जिहड़ा झुक के सरकार नू दरूदो सलाम न पेश करदा होवे सरकार दी बारगाह झुक के दरूदो सलाम न पेश करदा होवे। तो मेरे दोस्तों ये शहर ताबस्तान तक अज गुफ्तगू की है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा जुमे इस तो अगे चलांगा जे तुसी मुहब्बत नाल आउंदे रहे तो फिर इंशाअल्लाह मैं भी तुहाडे नाल कोशिश करांगा पूरी इस सुनहरी लफ्ज़ां विच तुहानू सुना के गल मुहब्बत करदा रहा। अल्लाह ताला तुहाडी मेरी हाजिरी अपनी बारगाह अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। वा आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।